दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम आप सबके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसे आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में है। नोटबुक आजकल हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स, अगर आप स्टडी के बारे में बात करें तो आप इसे सिंगल लाइन, थ्री लाइन, फाइव लाइन, अलग अलग टाइप की आप बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और उनके क्या रेट्स होते हैं, और इनमें कौन कौन सी मशीन्स होती हैं और कैसे इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीन्स की जरूरत होती है। दोस्तों वैसे तो इसमें आपको तीन मशीन्स की आवश्यकता होती है। आप एक और मशीन जिसे कि पैकिंग मशीन कहते हैं वो भी ले सकते हैं अपनी नोटबुक की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो इन तीन मशीनों में आती है सबसे पहले स्टिचिंग मशीन, जिसे कहा जाता है पिन लगाने वाली मशीन। इसमें आपको टाइटल, जो कि नोटबुक के बाहर वाला हिस्सा होता है, और उसके नीचे जो पेपर लगा होता है, आपस में जोड़ने के लिए स्टिचिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उन दोनों को सफाई करने के लिए आपको एज स्क्वेयरिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जिसमें पीछे की जो राउंड कॉर्नर होती है उसे स्क्वेयर में किया जाता है, और एंड में फिनिशिंग लाने के लिए पेपर कटिंग मशीन की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे नोटबुक बनाई जाती है और इनके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नोट पेपर को स्टिचिंग मशीन से स्टेपल किया जाता है, जिसमें पेपर को नीचे रखकर ऊपर टाइटल को रखा जाता है। उसके बाद एज स्क्वेयरिंग मशीन में स्टेपल की हुई नोटबुक्स को उसके बाद एज स्क्वेयरिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहां पर नोटबुक के पीछे से राउंड कॉर्नर को स्क्वेयर में किया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। एज स्क्वेयरिंग में डालने के बाद जो फाइनल में आपका प्रोसेस आता है वो आता है पेपर कटिंग मशीन में। पेपर कटिंग मशीन से जो आपका बाहर में थोड़ा सा वेस्ट पेपर होता है उसकी कटिंग की जाती है, जिसके आपकी नोटबुक की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और एंड में मशीन आती है, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शनल भी बताया है, वो होती है श्रिंक पैकिंग मशीन। इसमें आप 5-5 या 6-6 नोटबुक का सेट बनाकर उन्हें कर सकते हैं।
श्रिंक पैकिंग से पैक की हुई नोटबुक्स को आपको सेल करने में काफ़ी आसानी होती है और आपकी नोटबुक काफ़ी जल्दी बिक भी जाती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी नोटबुक पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो अब बात आती है इसे मार्केट में सेल करने की। नोटबुक की मार्केटिंग करने के लिए आप आसपास की होलसेलर की शॉप्स या रिटेलर की शॉप्स या फिर इन्हें ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो अगर आप बात करें इन मशीन्स के रेट की, तो आप मशीन के रेट स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके उनसे आप मशीन्स खरीद सकते हैं और मशीन्स की डिटेल भी उन्हीं से ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नोटबुक के रॉ मटेरियल की। नोटबुक के रॉ मटेरियल में आपकी दो आइटम्स आती हैं। एक आता है अंदर वाला पेपर, जितने भी पेजेस की आपने नोटबुक बनानी हो वो पेजेस, और ऊपर वाला जो टाइटल पेज होता है। जो पेजेस होते हैं वो भी आपको अपनी आपकी सिटी या आसपास की सिटी से मिल जाएगा, जिसे कि रूल किया होता है। आपको सिर्फ टाइटल के साथ जोड़ना है और अपना नोटबुक तैयार करना है। और ऊपर वाला जो टाइटल होता है वो भी आपको अपने सिटी से ही मिल जाएगा, जिसपे आप अपने नेम का लोगो या कोई भी अपना नाम रखवा कर प्रिंट करवा सकते हैं और अपनी नोटबुक बना सकते हैं। ये दोनों रॉ मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इसमें आपका तीसरे नंबर के रॉ मटेरियल की बात करें, जिसे स्टेपल पिन कहा जाता है, उसका रोल आपको मार्केट में हार्डवेयर की दुकान से इजीली मिल जाता है। तो ये थे इसके रॉ मटेरियल की बात, जो आपको इजीली हर किसी सिटी या आपके आसपास के सिटी से इजीली मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था बिजनेस नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बहुत ही लघु उद्योग है, इसे आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मशीनरी है ये आपके घर की लाइट पर भी चल जाती है। इन्हें आप सिंगल फेस में भी ले सकते हैं और थ्री फेस में भी ले सकते हैं। आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इन मशीनरी की इलेक्ट्रिसिटी पर। ये आप हर कहीं चला सकते हैं, चाहे आपके पास 200 स्क्वायर फीट का एरिया हो, आप वहाँ पर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तो मालूम ही है किस बिजनेस की डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसी प्रकार इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। आपको एक नोटबुक के पीछे 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल जाता है और आप अपना अच्छे से इसमें कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हमारी नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना सुझाव और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मशीन स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके मशीन्स की डिटेल भी ले सकते हैं और मैन्युफैक्चरर के पास जाकर मशीन्स बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी और नई नई वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।